शत्र युग संघ के संस्थापक तन सिंह की जन्म जयंती पर दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है और रानीवाड़ा से स्पेशल ट्रेन के माध्यम से क्षत्रिय परिवार के लोग काफी संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं। मेरे साथ में कार्यक्रम के संयोजक फूल सिंह जी जाकड़ी है। फूल सिंह जी, किस तरह का कार्यक्रम है और कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? जय संघ शक्ति। पूज्य तन सिंह जी का जन्म शताब्दी समारोह दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कल भव्य तरीके से पूरे देश भर के क्षत्रियों द्वारा और सभी जाति धर्म के लोग पधार करके उस जयंती समारोह को मनाएंगे। तो यहाँ रानीवाड़ा से स्पेशल ट्रेन रवाना हो रही है। उसमें रानीवाड़ा और सांचौर के लोग सफर करके भीनमाल जाएंगे। भीनमाल वाले बैठ करके फिर जालौर से इस ट्रेन से 2000 लोग सफर करेंगे। पूज्य तन सिंह जी कौम के वो कारीगर थे जिन्होंने क्षत्रियता को परिभाषित करते हुए शास्त्र पालन धर्म का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति कैसे की जा सकती है वो मार्ग दिया है इस सृष्टि को। सत्य से कौम के लोगों में उमंग और उत्साह है और हमारे समाज में तो विशेष करके उत्सव की तरह मनाया जा रहा है इस जन्म शताब्दी समारोह को। और सभी रानीवाड़ा की जनता इस ट्रेन की विदाई के समय पर आ रही, उनके लिए भी मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करूंगा। आप पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा। रानीवाड़ा से बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग जा रहे हैं, स्पेशल ट्रेन की व्यवस्थाएं की गई आपकी ओर से? संगठन की ओर से नहीं, संगठन की ओर से नहीं, प्रत्येक व्यक्ति अपना किराया देकर के ट्रेन में बैठ रहा है और बालिकाएं हैं, बालक हैं, माताएं बहने हैं और युवा साथी हैं और एवं 85 वर्ष के प्रताप सिंह जी डूंगरी जैसे व्यक्ति, वयोवृद्ध व्यक्ति भी हमारे साथ में है। पिछली बार जयपुर में कार्यक्रम हुआ और इस बार देश की राजधानी दिल्ली में, क्या संदेश है? पूज्य तन सिंह जी हमारे क्षत्रिय समाज के कुशल कारीगर नहीं बल्कि बहुत अच्छे मतलब व्यक्ति थे और उन्होंने एक क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना की थी जो एक सामाजिक स्तर पर व्यक्तित्व के निर्माण की बात करते हैं। तो उनकी 100वीं जयंती आज कल दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बहुत ही भव्य तरीके से मनाई जाएगी। पहले हमने जयपुर में हीरक जयंती मनाई थी जो कि इस क्षत्रिय युवक संघ का 75वां वर्षगांठ थी और ये जो है ये पूज्य तन सिंह जी की 100वीं जयंती है और इसे बहुत ही भव्य तरीके से दिल्ली में मनाया जाएगा। तो ये थे क्षत्रिय परिवार के लोग। देवी सिंह जी, रानीवाड़ा से जा रहे लोग सांचौर से जा रहे हैं, पिछली बार दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस कार्यक्रम का आयोजन, इस कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक मुद्दे की कोई चर्चा नहीं होगी? लोकतंत्र में भीड़ करना एक माना जाता है कि भीड़ से छत्तीसवर्णी मानती है कि भाई जो जयंती समारोह मनाया जा रहा है इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ न कुछ चर्चा की जाएगी। ये क्षत्रिय संघ का क्षत्रिय संघ के पूज्य तन सिंह जी संस्थापक महोदय की जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, न कि राजनीतिक इस पर कोई चर्चा की जाएगी। दिल्ली रवाना हो रहे हो, क्या कुछ कहोगे? बस दिल्ली रवाना होने के नाते आप सबको धन्यवाद देंगे, आपने हमारा उत्साहित किया हमें, इसलिए आपका थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहूँगे साधारण से का, क्या कहूँगे जयंती का कार्यक्रम बनाया? पहले तो आपको धन्यवाद, जयंती के लिए बहुत बड़ा उत्साह है, हम युवा वर्ग, बुजुर्ग, महिला, बालिका सभी उत्साह और जोश के साथ में हम भाग लेने जा रहे हैं। इसमें सभी समाज उत्साह है और ये कि संदेश है कि इस देश और राष्ट्रभक्ति के लिए क्षत्रिय गुणों के साथ में किस प्रकार अपना जीवन यापन किया जाए, यही इस रैली का संदेश है। तो ये थे क्षत्रिय परिवार के लोग, ये आप देख सकते हो ट्रेन है, अभी थोड़ी देर के बाद में अतिथि इनको इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद में ये ट्रेन रानीवाड़ा से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी। सहयोगी रजत पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा।